नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईएनएन भारत का ट्विटर तमाशा एपिसोड और मैं हूं आपके साथ नंदिता। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे इस एपिसोड में ट्विटर पर जो चलता रहता है उसके बारे में बताते हैं। आज का एपिसोड दिवाली के पटाखों के एक वायरल वीडियो पर है जो देश की राजनीति पर काफी सही बैठ रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताएंगे ये कैसे राजनीति पर फिट हो रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक व्यक्ति पटाखा जलाता है और वो पटाखे को अपने से दूर फेंकता है। जलता हुआ पटाखा थोड़ा आगे जाकर फिर उसी के पीछे आकर लग जाता है। ऐसा ही कुछ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ भी हुआ, जो बहुत ही दुखद है। पर उनके वक्तव्यों को देखकर उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए ये जरूरी था। बीजेपी ने भी एक पप्पू नाम का पटाखा छोड़ा था और जब बीजेपी ने पप्पू नामक पटाखा छोड़ा था तब उनको भी इस व्यक्ति की तरह काफी आनंद आ रहा था। बीजेपी के नेताओं को काफी मजा भी आ रहा था। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ तो इस वीडियो वाले व्यक्ति से भी ज्यादा बुरा हुआ है। माना इस व्यक्ति ने पटाखा छोड़ा और वो जलता हुआ वापस आकर उसको लगा और उसके नए कपड़े जल गए। व्यक्ति को तो इतना ही नुकसान हुआ, पर प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने तो पहले पप्पू नामक पटाखे को बहुत मेहनत करके बनाया, बहुत सारे पैसे भी लगाए, क्योंकि बीजेपी ने तो पप्पू पर पूरा कैंपेन चला रखा था। अब इसी पप्पू नाम के पटाखे ने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा दी है। अब वही पप्पू नाम का पटाखा बीजेपी वालों के पीछे लग गया है। कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता। आज पूरे भारत से लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपने हक की मांग कर रहे हैं और बीजेपी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन उनके पास इस यात्रा का कोई तोड़ नहीं है। हालांकि बीजेपी बहुत सारे दाव भी चल रही है, लेकिन उनका कोई भी दाव और पैंतरा इस यात्रा से जनता को दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि सच ना ही हारता है और ना ही छुपता है। नफरत की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, प्यार के आगे वो दम तोड़ ही देती है। प्यार बांटने चली भारत जोड़ो यात्रा ने साबित कर दिया। अब एक नजर भारत जोड़ो यात्रा पर डालिए। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होने का है। बड़ी बात भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ा है राहुल गांधी का ग्राफ। राहुल गांधी की इस यात्रा ने बीजेपी के 2024 के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है। राजनीति के पास कोई और भाषा नहीं बची है। तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी। यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। सरदार पटेल ने कहा, अब भारत किसी भी कीमत पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का कितना प्यार और समर्थन मिल रहा है। अब आप प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो देखिए जिसमें वे बंगाल पुल हादसे पर बोल रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। पहले आप वीडियो देखिए। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। जैसे पटाखे वाला वीडियो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी पर सटीक था, वैसे ही ये भी प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी पर सटीक बैठता है। प्रधानमंत्री जी बंगाल पुल हादसे को एक्ट ऑफ फ्रॉड बोल रहे हैं, तो गुजरात के मोरबी में हुआ पुल हादसा भी एक्ट ऑफ फ्रॉड है। लेकिन वो मोरबी के पुल हादसे पर ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मोरबी हादसे पर एक ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार आरजेडी के ट्विटर हैंडल से किया गया है और इसमें लिखा है,
ये अच्छी बात है कि विपक्ष में इतनी समझदारी है, संवेदनशीलता है और सभ्यता है कि किसी ने मोरबी पुल हादसे पर इस प्रकार का घटिया बयान नहीं दिया और ना ही देगा। सभी की अपनी अपनी संस्कृति, अपना अपना स्तर होता है। चाहता तो विपक्ष भी मोरबी हादसे पर बीजेपी सरकार को घेर सकता था, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों ने ऐसा नहीं किया। अब हम आपको एक और एक्ट ऑफ फ्रॉड बता रहे हैं, जिस पर अब एक्ट ऑफ गॉड भी हुआ है। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी द्वारा चलाया गया पप्पू कैंपेन भी एक्ट ऑफ फ्रॉड था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने राहुल गांधी के भाषण को आधा आधा दिखाकर राहुल गांधी को मूर्ख और नासमझ बताते हुए जनता के सामने उनको पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और उसी एक्ट ऑफ फ्रॉड का अब एक्ट ऑफ गॉड भारत जोड़ो यात्रा है। अब जनता के सामने सारा सच आ गया है, इसलिए अब जनता की नजरों और जनता के मन में राहुल गांधी का सम्मान कई गुना बढ़ गया है। और पप्पू वाली करतूत की वजह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के मन से उतर चुके हैं। आपने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के साथ जैसी करनी वैसी भरनी और जैसे को तैसा वाली कई घटनाएं हो गई। अब अंत में आप दोनों नेताओं की असलियत को देखिए कि दुर्घटना पर राजनीति कौन करता है, और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किसके हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। आई डोंट वॉन्ट टू politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it.